तो गुना के राधवगढ़ कांग्रेस विधायक कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर अपने शब्दों से तीखा प्रहार किया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने प्रदेश भाजपा सरकार पर मुख्यमंत्री के बुलडोजर वाले बयान पर कहा कि मौजूदा शिवराज सिंह की सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ चुके हैं, कारण महंगाई बढ़ रही है। हम लगातार कह रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और हम तो स्पष्ट कहते हैं कि जनता को ये बात याद रखनी चाहिए है कि आज से लगभग 8 साल पहले जब सरकार देश में कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पेट्रोल के दाम 55 रुपए थे, डीजल था 45 रुपए। उस समय यही भाजपा के लोग कहते थे जोर जोर से, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि भाजपा को याद रखना चाहिए है कि जो सरकार वर्तमान में है, ये सरकार भाजपा ने पाप करके बनाई। बहुत सी देशों में युद्ध चल रहा है और उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। इसमें सरकार कांग्रेस की होती या भारतीय जनता पार्टी की है, इससे लेना देना नहीं। ये विश्व में जब कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो दाम बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। पर इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक का कहना है कि भाजपा ने जानबूझ के दाम बढ़ाए। अब ऐसा मेरा मानना नहीं है, अब वो कह रहे हैं तो उनका सोच होगा। ग्राम भूपमाड़ी तहसील आर और लोग पैसे बढ़े हैं सरकार की तरफ से, आपको अच्छा लग रहा है कि दोबारा किसानों की डेली होगी? नहीं, काम बुरा लग रहा है सर। आप क्या, आप सरकार से क्या चाहती हैं? पैसे डीजल पर कम होना चाहिए, एकदम से पैसा बढ़े, गैस पे भी पैसा बढ़े, इससे आपके घर पे आपकी जो पत्नी उनने कुछ नहीं कहा क्या? कहा नहीं कि खर्चा बढ़ गया है, खेती में अलग से जेब पे ढीला पड़ेगी, अलग से पैसे।